हेलो क्लास, एक बार ये मैप देख लो। रसिया है, चाइना है, पूरा वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है मैंने। तो एक बार शुरू करते हैं। देखिए, आवाज़ क्लियर है? एक टाइम था जब आदमी हंटर था, फूड गैदरर था, आदि मानव था। ये टाइम पीरियड चलता है कुछ टाइम तक, ठीक? फिर हम सिविलाइज होते हैं ना, हड़प्पा आता है, तब उसके बाद इंडिया में सोसाइटी, मतलब एक काफ़ी किंगडम्स वगैरह आते हैं। ये तब तक सोशियोलॉजी नहीं पढ़ते। करीब हम 1500-1600 मतलब सी तक, कॉमन एरा तक, हम सोशियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। जैसा ही चल रहा है, सिस्टम पुराना ही चल रहा है ना। नॉर्मली स्लो लाइफ है, कोई मशीन वगैरह नहीं है ना, हाथ से काम हो रहा है। लेकिन हमें सोशियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात करेंगे हम। देखो, ये हमारा ट्रेड वेस्ट और ईस्ट का पुराने ज़माने से होता है। हड़प्पा में भी होता था, जब यहाँ पे किंगडम्स थे इंडिया के या फिर मुस्लिम्स के, तब भी ट्रेड होता रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब मुस्लिम एम्पायर, ओटोमन नाम का एम्पायर था, जो ये वेस्ट और ईस्ट का ट्रेड बंद कर देगा। यहाँ पे जो रास्ता था ना, उस पर पूरा इसी का ही हुकूमत चलेगी, ओटोमन एम्पायर की। और देखिए, इसके कारण अब जो यहाँ से जो स्पाइस या फिर टेक्सटाइल जाता था यूरोप में, वो बंद हो जाता है। आपने इससे पहले जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था यूरोप में, वो सबसे पहले स्टेट का क्लर्जी कहते हैं, सेकंड स्टेट में नोबल्स होते थे, जिसके पास लैंड वगैरह भी होती थी और आर्मी का भी कंट्रोल होता था। थर्ड स्टेट में वो लोग होते थे जैसे एडवोकेट हो गया, टीचर्स हो गया, या फिर जो क्या हो गया, मतलब इसके अलावा जो सर्विस रेंडर करने वाले लोग होते थे, उससे भी इनके भी नीचे होते थे जो। तो ये स्ट्रक्चर था, मतलब जो ये तीसरे स्टेट वाले टैक्स देते थे इनको, ये सिस्टम चलाया था, पहले से ही चल रहा था ये कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ पे करीब 16-17 सेंचुरी में पुनर्जागरण होता है यूरोप में, यूरोपियन रेनेसां कहते हैं इंग्लिश में, जिसके कारण जिसमें मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 रिलीजन हो जाते हैं। एक तो कैथोलिक था जो पहले से चला रहा था, तो कैथोलिक में कुछ कुरीतियाँ हो आ गई थी, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में आ गई थी, जिसके कारण लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म की तरफ चले गए। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें थी। तो लोग दूसरे जो कहते थे कि हमें रीज़न बताओ क्यों फॉलो करें, मतलब दूसरा रिलीजन निकल के आया कि हमें वो लॉजिकल और रीज़निंग चीज़ों पे फॉलो करेंगे। तो प्रोटेस्टेंट लोग थे ऐसे जो ऐसी बात करके गए। तो दो रिलीजन हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दोनों क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पे एक तो ये चेंज आ गया सोसाइटी में, पूरा सोसाइटी में, मतलब लोगों का रिलीजन में डिफरेंसेज आ गए। इसके अलावा एक चेंज ये आया कि अब ये देखो, यहाँ पे एम्पायर ने बंद कर दिया ट्रेड, लेकिन जो यहाँ पे नोबल्स थे ना, या क्लर्जी थे, जिनको लग्जरी की आदत थी, ये सूखा खाना नहीं खा सकते थे। तो अब ये बोलेंगे कि जो किसको बोलेंगे, नोबल्स के अपने सर्वेंट को बोलेगा कि जाओ इंडिया को देखो, कहाँ से कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकालो, पहुँचो इंडिया, स्पाइस लेके आओ, अच्छा खाना खाना है। ये बातें होंगी ना नोबल्स की, क्लर्जी वगैरह की। तो फिर ये नाव में बैठेंगे, निकलेंगे खोज पे, कोलंबस अमेरिका पहुँचेगा, एक है ना नॉर्थ साउथ अमेरिका खोज लिया जाएगा। तो इसके अलावा ये देखो, ये जो पुअर लोग हैं, मतलब जो थर्ड स्टेट के हैं, इसमें एक आध इंटेलिजेंट लोग भी हो सकता है, मतलब कोई टीचर गया हो या फिर कोई आर्मी का बड़ा लीडर गया हो देखने के साथ में। जब से लैंड मिल जाती है तो ये लोग सोचते हैं कि इंडिया है ना। देखो कई जगह पे इंडिया के नाम है, यहाँ पे भी रेड इंडियन रहते हैं, मतलब वो उन्होंने सोचा कि इंडिया खोज लिया, इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया के लोगों की, इंडिया के स्पाइस की। फिर क्या होगा इसके अलावा, अब यहाँ से ये जो लोग पहुँच जाएंगे ना, 1598 में वास्को डी गामा जैसे तैसे करके यहाँ पहुँच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्पाइस लेके जाएगा अपने पास, कपड़े लेके जाएगा, इससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाएगा। तो इनको एक खजाना हाथ लग गया। देखो, एक को नॉर्थ अमेरिका, कहीं पर साउथ अमेरिका, कहीं पे ये। तो ये लोग अब जो थर्ड स्टेट के जो ढूंढने निकले थे, भिखारी टाइप के, या फिर जिनको अपनी लाइफ का ज़्यादा टेंशन नहीं थी, या फिर वो लोग थे जिनको नई जगह घूमना पसंद था, वो लोग थे, ये क्लर्जी और नोबल्स तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक बात है? तो अब इनके पास खजाना हाथ लग गया, तो ये अमीर हो जाएंगे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब ऐसे समझो,
कि SC ST या OBC का इंडिया में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, तो वो अगर बड़ी कास्ट वाले के सामने बात करेगा तो बड़ी कास्ट उसकी इज्जत थोड़ी देगी, शुरू में तो नहीं देगी ना, बोलेगा कल तक तो ये काम करता था, जूती साफ करता, कुछ भी बोलेगी जो है ना, चल क्या बड़ा बनता है, पैसा आ गया तो ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है, तो उसको तभी तक रेस्पेक्ट नहीं मिले थे इन लोगों को। हालांकि अमीर हो गए थे, बहुत ज़्यादा पता आपको 8th में पढ़ा होगा, टेक्सटाइल वगैरह का व्यापार हो रहा था है ना, इंडिया बहुत फेमस था ना उस वक्त के, बहुत सारी चीज़ें थी इंडिया के पास, सोने की चिड़िया भी था। तो देखो ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं ना ये लोग, और साथ में क्या होगा, अब यहाँ पे किंग के पास आर्मी नहीं होती थी, वो नोबल से आर्मी लेता था। तो और ऐसा अब देखो ये जो लोग थे ना, अब इनको भागने की जगह मिल गई, जो नोबल्स के जो खेतों में वगैरह में काम करते थे या फिर जो लैंडलॉर्ड के काम करते थे, वो उनको ये सब इधर उधर भागने लग गए, अपने इसमें बैठ के अमेरिका चला गया, साउथ अमेरिका आ गया या फिर, और ये ठीक है कुछ जब इनके, अब ये जो पुअर लोग टैक्स देंगे ना, किंग के पास पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि ये पुअर तो रहे नहीं है ये, है ना, ये पैसे वाले लोग हुए हैं, पूरी इज्जत आएगी। और यही जब ये बाहर ऐसा देखेंगे, खुलेंगे, मतलब जो पुराने सिस्टम को ठुकराएंगे कि भाई सब बराबर हैं वगैरह वगैरह, इन वर्गीकरण को ठुकरा देंगे ना, तो फिर अब यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आएगा फ्रांस में, जिसको बोलेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक सोसाइटी में बड़ा चेंज आ गया, पहले तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी ना, इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले एक चीज़ यहाँ पे होती है 1850 में, इंडस्ट्रियल मतलब मशीन का एक इंजन का आविष्कार होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जैसे कि अब जहाँ जो काम हाथ करते थे ना वो मशीनें करने लग जाएंगी, यहाँ से केवल ऐसी जगह से केवल ये रॉ मटेरियल लेकर यहाँ पे सामान बनाएंगे, ठीक है। अब काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के पास थाली बैठने का टाइम नहीं रहेगा, पहले लोग टाइम पास करते थे, अब लोग टाइम स्पेंड करेंगे, मशीनी युग आ जाएगा। अब ये एक नया चेंज आ गया, एक पहले रिलीजन चेंज आया था, दूसरा चेंज ये मशीनों ने ला दिया, तीसरा एक जो क्लर्जी या नोबल्स जो टॉप पे होते थे पैसे लेते थे, अब पैसे वाले कोई और हो गए, मतलब बड़ा बड़ा चेंज आ रहा सोसाइटी में देखो बार बार। इसके अलावा और चेंज क्या आया है, फ्रांस की क्रांति हो गई, राज यहाँ पे जो किंग लुईस था उसको भी डिपोज कर दिया, बड़ा चेंज फिर एक हो गया। अब ये आइडिया और जगह फैल गई, रशिया का रेवोल्यूशन हो जाएगा आगे जाके, है ना, बड़ा चेंज है सोसाइटी में, मतलब पुराना ढांचा जो मतलब अब क्लर्जी था जो पुरोहित था वो भी भैया पुरोहित नहीं रहा, कोई पैसे वाला उसके पास भी कम पैसे रह गए, नोबल्स वाला भी कम पैसे वाला हो गया, है ना, क्योंकि स्पाइस उनको खाना है, बेचने वाले स्पाइस यही हैं पुअर लोग, जिन्होंने यहाँ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली किंग से परमिशन लेके, और किंग इनको सपोर्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं किंग को, किंग के पास आर्मी अपने आप आ जाएगी जब उनको सोल्जर्स को पैसे देगा, कोई भी आर्मी में ज्वाइन करने को तैयार होगा, किंग इसको प्रोटेक्शन देगा, जो ट्रेडर्स हैं इनको प्रोटेक्शन ही चाहिए, अपने आप फूल जाते हैं, तो प्रोटेक्शन देने से क्या होगा, अब और लोगों के पास चारा नहीं रहा। साथ में अब ये कहते थे ना कि तुम SC ST है, लो स्टेटस है, अब उसको किंग की प्रोटेक्शन मिल गई और किंग उसको नाइटहुड भी ग्रांट कर देगा, बोलता ये कौन होते हैं, किंग मैं हूँ, वो बोलेगा मतलब यूरोप में, तो किंग उसको क्या बोलेगा कि आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो लो नहीं है, वो हाई हो गया है, किंग उनको नाइटहुड ग्रांट कर देगा। अब क्लर्जी और नोबल्स उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, मतलब उनको स्टेटस भी हाई मिल गया है, वेल्थ तो हो गई, वेल्थ होने के बाद तो आदमी के पास सब कुछ ऑडा फरारी सब कुछ आ जाती है ना, इनके पास पहले से आ गई थी, स्टेटस ही बढ़ गया है, सोसाइटी में सारा ही चेंज आ गया ना, ठीक है। इसीलिए अब जो चेंजेस आ रहे थे ना एकदम पूरा जो समाज का है, पूरा पुराने ज़माने से 15 शताब्दी से चला आ रहा स्ट्रक्चर ही बदल गया 17 शताब्दी से, तो इसको समझने के लिए जो बड़े चेंजेस आते हैं ना कुछ समाज में, तो उनको समझना जरूर पड़ता है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने किताबों में बैठे पढ़ा इनको, इस चीज़ को एनालाइज करा, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का आरंभ होता है। अगस्ते कोमेंटे इसके फादर कहे जाते हैं सोशियोलॉजी के, और भैया देखो हम इसमें सब कुछ पढ़ते हैं, समाज में क्या कुछ हो रहा है, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखो अभी हिस्ट्री बताई मैंने सोशियोलॉजी में ही बताई है, इसके अलावा हम एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं इसी के अंदर, और कल्चर पढ़ते हैं समाज का,
हर चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में सारे सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं सारे, यूरोप की पॉलिटी में हमने बात करी ना कैसे थी पहले, तो सब कुछ पढ़ा जाता है इसमें। और एक डार्विन ने भी अपने कुछ लिंक दिए हैं कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का की थ्योरी दी थी, वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। देखिए मैंने ये बताया कि समाज सोशियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सोशियोलॉजी होता क्या है ना, वो हम ह्यूमन का जो सोसाइटी होती है उसी की स्टडी सोशियोलॉजी कहा जाता है ना, तो इसीलिए इसको पढ़ने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना कि देखो रीज़न था ना कि इसको समझने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए सब्जेक्ट आया। देखो आज देखते हो कि पहले 17 शताब्दी तक किंग्स रूल करते थे, आज हमारे डेमोक्रेसी है, पूरा समाज का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, आर्मी गवर्नमेंट की हो गई ना, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ी थी। ये पूरा चैप्टर आपका, आप इसको एक बार ही पूरा कीजिए, कोई दिक्कत होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने इसलिए थोड़ा बनाया था कि आपको एक बार डायग्राम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये लोग यूरोपियन लोग थे, कहीं कहीं पहुँचे थे। देखो आपको आसान लगता है कि अर्थ को सबको पता लग गया गोल है, एक टाइम पे समझा जाता था कि अर्थ तो टेबल के साइज़ की है। अब जो ये आदमी यहाँ रहता था ना, ये समझता था पहले कि अगर ये यहाँ गया ना तो ये पता नहीं कहाँ गिरेगा जाके, है ना, अनंत स्पेस में गिर जाएगा। तो लोग अपनी जान का मतलब उस दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं थे एक, लेकिन उस टाइम की बात है, ये करीब लैंड से तो कहीं चले जाते थे लेकिन समुद्र में एक टाइम पे बहुत आगे नहीं जाते थे, लेकिन कुछ लोगों ने रिस्क लिया, वो कई एक बार अफ्रीका पहुँचे, एक बार अमेरिका पहुँचे, बाद में इन्होंने स्लेव भी बनाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्लेव यहाँ भी ले गए, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। उस चेंजेस को समझने के लिए हमने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी थी।